इन क्लास सिक्स का ज्योग्राफी का चैप्टर सेकंड है ग्लोब लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। पहले इसमें कई पार्ट हो चुके हैं, तीन पार्ट हो चुके हैं, ये नेक्स्ट एंड लास्ट पार्ट है। लॉन्गिट्यूड एंड टाइम। द बेस्ट मीन्स ऑफ मेजरिंग टाइम इज बाय द मोमेंट ऑफ द अर्थ मून एंड द प्लैनेट। द सन इज रेगुलरली राइज एंड सेट एवरी डे। देखो हमें ऐसा लगता है कि सन हर दिन निकलता है और हर दिन छिपता है, बट एक्चुअल में ऐसा होता नहीं क्योंकि सन अपनी जगह फिक्स्ड है। हम ही घूम रहे हैं, एक्चुअल में अर्थ घूम रही है, पृथ्वी घूम रही है, अपना भी एक चक्कर लगा रही है और अर्थ के अराउंड भी घूम रही है। अपना एक चक्कर अर्थ पूरा करती है एक दिन, मतलब 24 घंटे में, दिन और रात में एक चक्कर पूरा करती है। इसकी वजह से जो पार्ट सन की साइड होगा अर्थ का, वहाँ सनलाइट नज़र आएगी, तो जहाँ सनलाइट नज़र आएगी वहाँ दिन होगा, और जो पार्ट पीछे होगा वहाँ रात होगी। तो सन राइज और सेट सन की वजह से नहीं है, अर्थ के घूमने की वजह से, खुद के घूमने की वजह से, जो खुद का वो राउंड लगा रही है, रोटेशन हो रहा है वहीं पर। इट इज़ द बेस्ट टाइम कीपर थ्रू आउट द वर्ल्ड। लोकल टाइम कैन बी रिकॉर्ड ऑन द शेडो कास्ट बाय द सन। मतलब हम टाइम की टाइम को पता लगा सकते हैं शेडो से, कि दोपहर एक धूप हमारे ऊपर आ रही है, मतलब 12-1-2 के ऊपर टाइम है, धूप दूर जा रही है तो मतलब शाम होती चली जा रही है। लोकल टाइम कैन बी रिकॉर्ड बाय द शेडो कास्ट बाय द सन विच इज़ द शॉर्टेस्ट एट नून। दोपहर में शेडो नहीं नजर आएगी। एंड लॉन्गेस्ट एट सनराइज एंड सनसेट। जब सनराइज होगा, जब सनसेट होगा तो हमारी जो परछाई है वो बड़ी हो जाएगी। वैन द प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन मतलब 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, मतलब जो ईस्ट और वेस्ट में अर्थ को डिवाइड करता है, इक्वेटर नॉर्थ साउथ में अर्थ को डिवाइड करता है, और प्राइम मेरिडियन ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करता है। तो प्राइम मेरिडियन कहाँ लिया गया? ग्रीनविच लंडन में। And the prime meridian of Greenwich has the sun at the highest point of the point in the sky. All the place along this meridian will have midday or noon. देखो जहाँ सनलाइट पड़ेगी वहाँ तो दिन हो गई होगा, मतलब जितना ऊपर पड़ेगी उतना ही दोपहर होगी, दिन होगा, मिड डे होगा या नून होगा। एज द अर्थ रोटेट। अर्थ रोटेट करते किस डायरेक्शन में? वेस्ट टू ईस्ट। अर्थ की जो रोटेशन की डायरेक्शन है वो है वेस्ट टू ईस्ट। अर्थ रोटेट कर रही है, अपना ही चक्कर लगा रही है, तो किस डायरेक्शन में लगा रही है? वेस्ट टू ईस्ट। दोज प्लेस्ड जो ईस्ट ऑफ ग्रीनविच, ग्रीनविच के आगे हैं, वो टाइम में भी आगे होंगे होंगे, विल बी अहेड ऑफ ग्रीनविच टाइम। एंड दोज ऑफ द वेस्ट जो उसके पीछे हैं वो टाइम में पीछे होंगे। ग्रीनविच एक प्लेस है जहाँ पर हमने लिया है टाइम जीरो, इक्वेट 0 पॉइंट है वहाँ, तो जो प्लेस उसके आगे है वहाँ टाइम आगे होगा, जो उसके लिए प्लेस उसके पीछे है वहाँ पर टाइम कम पीछे होगा। द रेट ऑफ डिफरेंस कैन बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज। द अर्थ रोटेट 360 डिग्री। देखो अर्थ पूरा अपने एक चक्कर लगाती है, इसका मतलब वो 360 डिग्री चक्कर लगाती है। कितनी देर में? इन अबाउट 24 आवर्स। 24 घंटे में अर्थ अपना एक पूरा चक्कर लगाती है, पूरा चक्कर लगाती है मतलब 360 डिग्री घूम जाती है। 24 घंटे में अर्थ 360 डिग्री घूम जाती है, इसका मतलब 15 डिग्री इन 1 आवर, 15 डिग्री घूमेगी 1 घंटे में, 1 डिग्री घूमेगी 4 मिनट में। ये चीज़ रट लेनी है कि 360 डिग्री अर्थ घूमती है, मतलब पूरा अपना एक राउंड लगा लेती है। तो वो 360 डिग्री हुआ कितने टाइम में? 24 घंटे में, इसका मतलब 15 डिग्री घूमी 1 घंटे में। और 1 डिग्री घूमी 4 मिनट में, इससे पता लग जाएगा टाइम किसका कितना आगे है। दस वैन इट इज़ 12 नून एट द ग्रीनविच, जहाँ से हम टाइम मेजर कर रहे हैं वहाँ अगर दोपहर हो रही है 12 बज रहे हैं, तो द टाइम एट 15 डिग्री ईस्ट, 15 डिग्री आगे ईस्ट ऑफ ग्रीनविच विल बी 15 into 4, मतलब 60 मिनट आगे होगा। अगर दोपहर 12 बज रहे हैं ग्रीनविच पर, जहाँ से टाइम मेजर किया जा रहा है, तो उसके आगे 15 डिग्री पर हो रहा होगा 1 PM, 1 घंटा आगे होगा। और वेस्ट साइड में दैट इज़ 1 आवर अहेड ऑफ द ग्रीनविच विच मीन्स 1 PM, बट 15 डिग्री वेस्ट ऑफ ग्रीनविच में टाइम होगा पीछे 1 घंटा, तो वहाँ होंगे 11। देखो एक कहीं 12 बज रहे हैं बीच में, ठीक है, तो उसके 15 डिग्री आगे होगा 1 PM और 15 डिग्री पीछे होगा 11 AM, 1 घंटे का फ़र्क आ जाएगा, 15 डिग्री में 1 घंटे का डिफरेंस आएगा।
सिमिलरली 180 डिग्री इट विल बी मिड नाइट वैन इट इज 12 नून एट ग्रीनविच। At any place, a watch can be adjusted to read 12 o'clock when the sun is at the highest point in the sky. जब सन एकदम ऊपर हमारे ऊपर होगा मतलब 12 o'clock हो रहे हैं, इसका मतलब इट इज मिड डे मतलब 12 o'clock। द टाइम शोन बाई सच ए वॉच विल गिव द लोकल टाइम फॉर दैट प्लेस। यू कैन सी योर दैट ऑल द प्लेस ऑन ए गिवन मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड हैव द सेम लोकल टाइम। उस मेरिडियन पर जितने भी होंगे वहाँ का लोकल टाइम सेम होगा। Why do we have a standard time? The local time of a place which are on different meridian are bound to be differ. For example, it will be difficult to prepare a timetable for trains which cross several longitude in India. For instance, there will be a difference of about 1 hour 45 minute in the local time of Dwarka in Gujarat and Dibrugarh in Assam. देखो India है, ये India का map है, east और west में सनराइज आसाम मतलब नॉर्थ ईस्ट में पहले होगा, सूरज वहाँ जल्दी नज़र आएगा और गुजरात में देर में नज़र आएगा। मतलब हम घूम रहे हैं ना तो इंडिया को जब सन के सामने आते आते भी 2 घंटे लग जाते हैं, लगभग 1 घंटा 45 मिनट्स लग जाते हैं। अब धीरे धीरे सन के साइड आती है पृथ्वी, तो जब धीरे धीरे आती है तो जो नॉर्थ ईस्ट है वो पहले पड़ता है, तो वहाँ सनराइज पहले होगा। और जो वेस्ट है गुजरात का जो पार्ट हमारा इंडिया का, वेस्ट तक आते आते 1.5-2 घंटा हो जाते हैं यहाँ सनराइज होते होते। तो ये डिफरेंस है, इसलिए हम अब कैसे मानेंगे हम, मान लो वहाँ 5 बजे मान लिए तो 5 बजे यहाँ भी सनराइज होना चाहिए ना, तो यहाँ तो हुआ नहीं है, यहाँ तो वो धूप आ गई, धूप बाद में आएगी, जब तक तो नॉर्थ ईस्ट में दिन आ जाएगा तेज़। नॉर्थ ईस्ट में लगभग 1.5-2 घंटा पहले सनराइज हो जाता है, किसी कंपेरिजन में जो वेस्ट में गुजरात है वहाँ तक सनराइज होते होते 1.5-2 घंटा लग जाते हैं, एग्जैक्टली 1 hour 45 मिनट्स लगते हैं। ठीक है, तो यहाँ तो अभी सूरज निकला भी नहीं और वहाँ सूरज अच्छे से नज़र आने लगा, तो ऐसे तो टाइम क्या कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो हमने पूरी इंडिया का एक ही टाइम मान लिया है फिर, कि वहाँ भी 5 बजे और यहाँ भी 5 बजे, वहाँ 5 बजे सनराइज हो रहा है और यहाँ 7 बजे हो रहा है, इसलिए एक टाइम की ज़रूरत है। क्योंकि सनराइज़ तो अलग अलग टाइम पर हर जगह हो रहा है, तो वहाँ उसी टाइम को मानेंगे तो दूसरी टाइम जगह कन्फ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि हमें सभी चीज़ें उसी हिसाब से सेट करनी है, जैसे ट्रेन है बस है, तो सबके अपने अपने टाइम होंगे तो वो सब कैसे हैंडल होंगे। इसीलिए एक स्टैंडर्ड टाइम होना ज़रूरी है। जैसे इंडिया में ही फ़र्क आ गया, कैसे फ़र्क आ गया, जो इंडिया का टाइम है ईस्ट टू वेस्ट, जो नॉर्थ ईस्ट है उसमें सनराइज़ पहले हो रहा है, तो अर्थ घूम रही है ना, तो पूरे इंडिया को घूमते घूमते आने में लग जाता है 1.5-2 घंटा, 1 घंटा 45 मिनट्स। तो सनराइज जब नॉर्थ ईस्ट में हो रहा है उसके 1.5-2 घंटा बाद गुजरात में हो रहा है, मतलब 5 बजे जब सनराइज वहाँ हुआ तो 5 बजे यहाँ गुजरात में अंधेरा था, और जब यहाँ सनराइज नज़र आया तो वहाँ बहुत धूप नज़र आई। तो हम अलग अलग टाइम कैसे, फिर अगर जहाँ सनराइज जब हुआ तब तभी 5 बजे मानेंगे तो सबके टाइम अलग अलग हो जाएंगे, तो ट्रेन बस कैसे चलेंगी फिर। तो इसलिए एक स्टैंडर्ड टाइम मानना ज़रूरी है। It is therefore necessary to adopt the local time of some central meridian of a country. तो एक कंट्री का एक स्टैंडर्ड पॉइंट मान लेते हैं और उससे आगे और उसके पीछे एक ही मानते हैं फिर। इंडिया में जो स्टैंडर्ड टाइम माना गया है, इन इंडिया द लॉन्गिट्यूड ऑफ 82.5 डिग्री, जो ईस्ट है ये जो लाइन दिखाई गई है यहाँ पर जो टाइम है उसे स्टैंडर्ड टाइम मान लिया गया है। मतलब अगर यहाँ 5 बजे हैं तो नॉर्थ ईस्ट में 5 बजे और वेस्ट में 5 बजे हैं, नॉर्थ में भी और साउथ में भी हर जगह, तो इंडिया में एक ही टाइम है। इन इंडिया द लॉन्गिट्यूड ऑफ 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट इज ट्रीटेड एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन। जो पूछा जाता है ईएसटी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम क्या है, ये 82 एंड 30 डिग्री ईस्ट पर है, ये जा रहा है इलाहाबाद के से, यूपी के इलाहाबाद से। एक स्टैंडर्ड टाइम क्यों माना गया, क्योंकि सारी चीज़ें कंट्रोल करनी है, सब बस ट्रेन सब चलानी है, तो एक कंट्री का एक टाइम रखेंगे तभी हर जगह वो चीज़ें फिक्स होंगी। कबीर लिव इन द स्मॉल टाउन नियर भोपाल, ये एक स्टोरी है कोई जिसमें कबीर रह रहा है कहाँ, भोपाल में।
ही टेल्स हिज फ्रेंड अलोक दैट दे विल नॉट बी एबल टू स्लीप टू नाइट. वो रात में सो नहीं पाए. क्यों? ए डे एंड नाइट क्रिकेट मैच बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड हैड स्टार्टेड एट 2 PM इन लंडन. एक डे नाइट का मैच वो देख रहे थे जो कि लंडन में स्टार्ट हुआ था. दिस मीन्स दैट द मैच वुड बिगन एट 7:30 PM इन इंडिया. देखो कबीर जो भोपाल के आसपास किसी गांव में रह रहा है उसने उसने अपने दोस्त आलोक को बताया कि वो दिन रात में सो नहीं पाया. क्यों? क्योंकि जो वो डे नाइट का मैच हो रहा था क्रिकेट मैच इंडिया और इंग्लैंड का जो कि वहाँ 2 बजे दोपहर में शुरू हुआ, तो वहाँ का 2 बजे और हमारे यहाँ 7:30 बजे थे शाम के, तो उन्हें बहुत टाइम लगा देखने में. इन इंडिया एंड फिनिश वेल इन टू द नाइट. डू यू नो वाट इज़ द टाइम डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड? 5.5 घंटे का डिफरेंस आ गया क्योंकि इंडिया इतने आगे है. इंडिया कहाँ है? इंडिया इज लोकेटेड ईस्ट ऑफ ग्रीनविच एट 82:30 ईस्ट में है. 0° लॉन्गिट्यूड का हम लिया गया, लंदन में लिया गया ग्रीनविच में, तो 0° से इंडिया कितना आ गया? 82 डिग्री 30 मिनट आ गया. किससे? लंदन के ग्रीनविच से. तो हर एक 15 डिग्री पर 1 घंटा का डिफरेंस आता है और यहाँ तो 82 डिग्री है, तो 5 घंटा 30 मिनट का डिफरेंस आ गया. मतलब इंडिया का टाइम 5 घंटा 30 मिनट्स आगे है लंदन से, क्योंकि हम उतने आगे हैं जो पॉइंट लिया गया है टाइम मेजरमेंट का. सो इट विल बी 7:30 PM इन इंडिया. वेल इट इज़ 2 PM इन लंदन. लंदन में जो दोपहर के 2 बजे होते हैं तो इंडिया में 7:30 बज जाते हैं शाम के. सम कंट्रीज हैव ए ग्रेट लॉन्गिट्यूड एक्सटेंट एंड सो दे हैव एडॉप्टेड मोर देन वन स्टैंडर्ड टाइम. कुछ कंट्री बहुत बड़ी हैं जैसे हमारा इंडिया में, तो एक ही स्टैंडर्ड टाइम लिया गया हमने. क्या लिया? 82 डिग्री पर. बस रसिया बहुत बड़ी है तो उसने रसिया के अपने 11 स्टैंडर्ड टाइम है. द अर्थ हैज़ बीन डिवाइडेड इंटू 24 टाइम जोन ऑफ 1 आवर ईच. ईच जोन कवर करता है 15 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड. तो स्टैंडर्ड टाइम लेने का मतलब ये है कि देखो सन फिक्स्ड है, अर्थ घूम रही है, तो अर्थ का जो पार्ट पहले आ रहा है वहाँ सनराइज पहले दिख रहा है, जो पार्ट बाद में आ रहा है वहाँ डेफिनेटली बाद में दिखेगा. तो एक टाइम इसलिए लेने का फ़ायदा है कि जो सनराइज मान लो जहाँ हो रहा है 5 बजे, तो दूसरे पार्ट में 5 बजे ही माना जाएगा इंडिया में. इंडिया का एक स्टैंडर्ड टाइम है. हमारे ईस्ट और वेस्ट तक सन राइज होते होते 1 आवर 45 मिनट्स का डिफरेंस आ जाता है, तब भी हम एक ही टाइम मानते हैं स्टैंडर्ड टाइम. मतलब नॉर्थ ईस्ट में सुबह के 7 बजे तो वेस्ट में भी सुबह के 7 ही बजे. इसके मतलब नहीं है कि सनराइज वहाँ पहले हो गया है यहाँ बाद में हो रहा है. इसलिए क्योंकि सारे काम सारे ऑफिस वर्क एक टाइम पे ही होंगे ना, किसी के यहाँ 9 बजे किसी के यहाँ 10 बजे, तो कैसे काम चलेगा फिर. इसीलिए एक टाइम मानना ज़रूरी है. ट्रू शेप ऑफ द अर्थ जियोइड शेप है. ग्लोब एक 3D इमेज है, 3D पिक्चर है अर्थ की. लेटिट्यूडनल वैल्यू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की 23.5 डिग्री नॉर्थ में, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नॉर्थ में, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न साउथ में, बीच में है इक्वेटर 0. 3 हीट जोन ऑफ द अर्थ टॉरिड टेम्परेट एंड फ्रिज जोन है. 3 जोन है अर्थ के, टॉरिड जोन टेम्परेट एंड फ्रिज जोन. टॉरिड जोन इक्वेटर से ऊपर है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, या नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. इन दोनों को बीच का जो जोन है वो टॉरिड जोन है. इनके ऊपर टेम्परेटर सबसे पोल की साइड होगा फ्रिज जोन. वैल्यू प्राइमरी मेरिडियन होगी 0 डिग्री. फ्रिज जोन पोल की साइड है. टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड है 360, क्योंकि एक चक्कर लगाने मतलब में से 360 डिग्री घूमना पड़ता है. एंटार्कटिक सर्कल मतलब साउथर्न हेमिस्फीयर में. और ग्रिड क्या है? एक नेटवर्क है किसका, जिसमें पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड मिलके मतलब एक जाली बना देते हैं ना नेटवर्क, जैसे ये तो अभी ये भी हो गया, तो ये हो गया ग्रिड. ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न साउथर्न हेमिस्फीयर में 23.5 डिग्री साउथ. स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया 82.5 डिग्री ईस्ट है. 0 डिग्री मेरिडियन को प्राइम मेरिडियन भी कहते हैं. डिस्टेंस बिटवीन द लॉन्गिट्यूड डिग्रीज टुवर्ड द पोल, ये पोल होगा टुवर्ड द पोल. आर्कटिक सर्कल लोकेटेड है कहाँ? नॉर्थन हेमिस्फीयर में.